हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मिक्स नॉलेज में। आइए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कि आप पार्ट टाइम जॉब घर बैठे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक पास स्मार्टफोन होना चाहिए। तो स्मार्टफोन में आपको सबसे पहले ओपन करनी है ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र में आपको सर्च करना है 1MCache से, कोई आ गया ये आपको सर्च करना है 1MCache.com। ठीक है, ये एक साइट है जहाँ पर आपको SMS सेंडिंग की जॉब कर सकते हो इस पर। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, चार्जिंग 100 रुपये है। ठीक है, और मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको अर्न करना है डेली। मतलब अगर दिन में आप 2-3 घंटे भी काम करोगे तो आपके महीने के कम से कम 6 से 7 थाउजेंड आप महीने के अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साइट को आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, इस साइट को ओपन करने के बाद देखो आप यहाँ पर पूरी साइट के रिव्यू है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस किस ने कितने कितने का प्लान और कितने कितने पैसे कमाए हैं। ठीक है, सारा कुछ इसमें दे रखा है, कौन कौन सी सिटी, आप हिंदी में भी पूरा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मैं बता देता हूँ, आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है, आपका नाम, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ब्राउज प्लान कौन सा। इसमें अलग अलग प्लान है, जो ये प्लान है ये सिर्फ वैलिडिटी के प्लान है। अगर आप 100 रुपये वाला प्लान चूज करो तो इसकी 1 महीने वैलिडिटी है, इसकी 1 साल है, इसकी 2 साल ऐसे है, और SMS के मतलब आपको कितने पैसे मिलने चाहिए उसका भी प्लान है। ठीक है, तो मेरे पहले अच्छा आईडी बनी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे लो। तो जैसे आपके रजिस्टर होता है आपको लॉगिन करना है। ठीक है, अभी आप रजिस्टर हुए, आपको ने कोई पैसा पे नहीं किया है। ठीक है, तो आपको कैसे क्या करना है, इसमें मेरे अभी मतलब 10 रुपीज़ अर्न हुई है। ठीक है, तो इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। आप लॉगिन हो गए या एक्टिव, आपका इनएक्टिव आएगा यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले करना है स्पेशल ऑफ़र पे क्लिक करना है कि स्पेशल ऑफ़र में क्या चल रहा है। स्पेशल ऑफ़र में ये चल रहा है, अगर आप 600 रुपये पे करते हो तो 800 रुपये वाला प्लान आप चला सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये तो मेरा पहले से प्लान एक्टिवेट है, आपको क्या करना है, हाउ टू पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करना होगा या आपको मतलब प्लान परचेज करना होगा। तो इसमें बता रखा है पेटीएम से आप कैसे 100 रुपये दे सकते हो। इनका ये नंबर है, रजिस्टर नंबर है कंपनी का, ये नंबर आप पेटीएम में डालिए। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन होता है पेटीएम में, वहाँ पे ये आप अपनी आईडी डाल दीजिए, जो भी आपकी आईडी बनती है वो आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, आपकी आईडी की ये कॉपी करके वहाँ पे डाल दो, इसके बाद आप पेमेंट सेंड कर दो। पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो आपके पेटीएम में ऑर्डर नंबर आता है, अमाउंट ऑर्डर नंबर आता है, या मतलब जो भी नंबर आता है आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपने पेमेंट कैसे किया, पेटीएम से किया, एयरटेल मनी से, या एमकैश, किससे आपने एमपैसा से किया, सॉरी किससे आपने पेमेंट किया वो डाल देना यहाँ पे डेट, और यहाँ पे ऑर्डर आईडी, जो पेमेंट आईडी आपकी वो डाल के सबमिट कर देनी। इसके बाद आपका 24 घंटे के बाद आपका प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, आपको डैशबोर्ड में जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड जाने के बाद आपको किसी को रिफ़र नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं, मोबाइल नंबर लिस्ट निकालनी है। ठीक है, ये लिस्ट निकालनी है, ये नंबर है, ये आपको कंपनी फ्री में प्रोवाइड कराएगी, इसका आपको कोई चार्ज नहीं, बस इस नंबर पे आपको सेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करोगे, मैंने अभी 100 नंबर पे क्लिक कर दिया, जैसे ये आके देखो, दूसरे नंबर मैंने इस सेंड पे क्लिक किया, ये एसएमएस इस पर सेंड कर दो, बस आपको कुछ नहीं करना। आप दिन में पूरे दिन ये करते रह कर सकते हो, तो आप 100 नंबर पे या 1000 नंबर पे कितने भी SMS सेंड कर सकते हो, ये 100 तक काउंटिंग हुई है, इसके बाद आप न्यू नंबर अपडेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे ये SMS बढ़ते जाएंगे आप SMS भेजते जाइए, पूरे दिन कितने ही SMS भेज दो, इसका आपको कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा, जो SMS चार्ज है वो ही कटेगा। इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जा सकते हो, आपकी 24 घंटे के बाद आपकी पेमेंट है वो अपडेट होती रहती है। तो जैसे आप यहाँ पे 1000 रुपये होते हैं, ठीक है, 1000 रुपये विदड्रॉल कर सकते हो आप, इसमें विदड्रॉल पे क्लिक करना है आपको, विदड्रॉल में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जैसे अभी मेरे 990 रुपये बाकी है, 990 रुपये जैसे ही अर्न हो जाएंगे मेरे, तो 1000 मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट बैंक में डाल सकता हूँ, एमपैसा में डाल सकता हूँ, एयरटेल मनी, पेमेंट वॉल्ट, या जो किसी में आपको विदड्रॉल करना है, आगे अकाउंट नंबर मांगेगा, अपने अकाउंट नंबर दे सकते हो। ठीक है, अभी ये बता रहा है कि योर करंट बैलेंस इन आर एस 10 रुपीज़, यू नीड इन अर्न, कि आपको 990 रुपये और अर्न करने, उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हो। बड़ा सा सिंपल काम है, आप घर बैठे मतलब अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो, ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, तो आप मिनिमम 10,000 तक अर्न कर सकते हो।
ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं है, कोई है बस प्लान परचेज करना है, ठीक है, प्लान है इनके ये, ठीक है। इसमें जो 100 रुपये वाला प्लान में आप मिनिमम 1000 मतलब अपने बैंक में डाल सकते हो, लिमिट है 1000, तब तक नहीं होगा जब तक आपके बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 2400 रुपये वाला प्लान है उसमें 7500 रुपये आप जब तक नहीं अर्न करोगे तब तक आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। अलग अलग प्लान की अलग अलग वैलिडिटी है, अलग अलग प्लान के अलग अलग पैसा है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम है, आप घर बैठे कितने भी पैसा अर्न कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों एक और बात कि मैंने लिंक जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डायरेक्ट मेरे अपनी वेबसाइट में आईडी बना सकते हो, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।